वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति, वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। तो दोस्तों, जिस तरीके की कंट्रोवर्शियल सिचुएशन इस समय पे चल रही है ना, ऐसा लगता है कि रोज आई थिंक आज कोई डंके की चोट पे कुछ ना कुछ प्रूफ कर देगा। लेकिन ये ब्लेम गेम का जो इस समय पे ट्रेंडिंग चल रही है ना चीजें, वो चीजों में कुछ भी दम नहीं है। क्योंकि एक चीज को लेके इतना ज्यादा स्ट्रेच किया जा रहा है। पहले वीडियो डिलीट, चौधरी कपल ने आके अपनी लाइव में बताया कि वीडियो डिलीट हुई। उसके बाद फैमिली के कुछ मेंबर्स ने आके बताया कि वीडियो डिलीट हुई। उसके बाद जब वीडियो का पूरा एक्सप्लेनेशन लखन ने अपनी साइड से दे दिया कि वीडियो किसने डिलीट करी, किस तरीके से डिलीट हुई, और उनके पास प्रूव्स है सीसीटीवी में जो वीडियोज आई है उसके, तो उसके बाद एक नई कहानी आज सुनने में आती है। तो मतलब ऑडियंस इतनी ज्यादा इस समय कंफ्यूज है कि उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है। एक छोटे से लाइन को, एक छोटे से पॉइंट को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है कि सबके लिए ये समझना मुश्किल हो गया है कि आखिर में सच बोल कौन रहा है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू लखन स्टेटमेंट, उन्होंने एक पूरा सिनेरियो सबके सामने रखा कि क्या क्या फुटेज में उन्होंने देखा, क्या टाइमिंग्स मैच हुई और किसने वो सब चीजें करी। लेकिन आज का व्लॉग जब हमने देखा तो आज के व्लॉग में जिनको बोला गया था उनको डिफेंड करते हुए नजर आए हैं परिवार के सदस्य। यानी कि लखन का कहना यह था कि जो सारी चीजें करी हैं, वीडियो डिलीट वगैरह, वो एडिटर ने करी है। लेकिन यहाँ पे जो उनके पेरेंट्स हैं वो एडिटर को डिफेंड करते हुए नजर आए, उनकी साइड से बोलते हुए नजर आए, और यहां तक कि उन्होंने ये भी बोल दिया कि लखन ने भी डिलीट नहीं करी है। तो क्वेश्चन मार्क ये खड़ा होता है कि एडिटर ने डिलीट नहीं करी, लखन ने डिलीट नहीं करी, तो उनका इशारा किसकी तरफ था, फिर किसने आके उनकी वीडियो डिलीट कर दी, क्योंकि गोलू ने भी डिलीट नहीं करी, ये भी बोला गया है घर वालों की तरफ से। तो जब उन्होंने ये पूरा व्लॉग आज बनाया, उस व्लॉग के बाद कीर्ति दीदी ने भी अपनी वीडियो के नीचे एक कमेंट जो है वो पिन किया है, और वो कमेंट भी मैं यहाँ पे लगा दूंगी, जिसमें उनका बोलने का मतलब सीधा सीधा यही है कि उन्होंने देखा है कि वीडियो किसने डिलीट करी। और साथ साथ उन्होंने बहुत सारी वो चीजें भी बताई जो शायद अभी तक हमें पता नहीं थी, कि जिस एडिटर को डिफेंड करते हुए नजर आ रहे थे वो एडिटर पहले लखन के लिए काम करा करते थे, उनकी गर्लफ्रेंड, और वो लखन के लिए काम करा करते थे। लेकिन कुछ भी क्लैशेस के जरिए लखन ने साफ साफ उनसे पूछा कि आपको काम करना है या नहीं, हुआ होगा काम के बीच में कुछ भी थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जिस एडिटर को लखन अपनी टीम से बाहर कर चुके थे, उसी एडिटर को हायर किया गया इनके घर वालों के द्वारा, यानी कि लखन ने उनको बाहर किया और घर वालों ने उनको हायर किया। उसके बाद से वो एडिटर घर के और लखन के बीच में कंट्रोवर्सी और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगे, मतलब भड़काने का काम करने लगे, और उनका बोलने का मतलब यही है। तो यहाँ पे ना बार बार चीजें वही आ जाती है कि जिससे भी लखन के क्लैश नजर आते हैं वो घर वालों के इतने क्लोज कैसे हो जाते हैं। और अगर ये क्लैशेस थे, और दोनों टॉकिंग टर्म्स में भी नहीं है, इनकी बहन ने अपने कमेंट में यही बताया कि लखन और वो एडिटर जिनके बारे में उन्होंने बताया वो टॉकिंग टर्म्स में भी नहीं है, तो टॉकिंग टर्म्स में ना होने के बावजूद घर में जो जिसके एंटी होता है, सामने वाला बंदा उसको सपोर्ट करता है, उसको डिफेंड करने के लिए खड़ा हो जाता है। वेल, इस पूरे सिनेरियो में इतना कंफ्यूजन और इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजों को कर दिया गया है कि एक अगर कोई स्टेटमेंट पास करता है तो दूसरा उस स्टेटमेंट को काउंटर करने के लिए आ जाता है। किसी को भी कोई भी स्टेटमेंट अपने ऊपर लेनी नहीं है, लेकिन ब्लेम एक से बढ़कर एक ब्लेम लग रहे हैं, और ब्लेम इतने लग रहे हैं लेकिन उन ब्लेम को कोई प्रूव नहीं कर पा रहा है। तो फिलहाल इतना कंफ्यूजिंग माहौल बना हुआ है कि आखिर में वीडियो डिलीट करी तो करी किसने, क्योंकि आज के व्लॉग में वही दिखाया गया, और व्लॉग में जो बात होती है उसी के बेसिस पे मैं भी यहाँ पर रिएक्शन देती हूँ। सवाल बस यही उठता है कि जो भी चौधरी फैमिली आके लाइव में क्वेश्चंस उठाती है, वो क्वेश्चंस उनको पता कैसे चलते हैं, उनको बताता कौन है, क्योंकि ये तो फैमिली की इंटरनल बातें हैं। वो अपने लिए बोले वो एक अलग बात है कि अगर फ्रेंडशिप से रिलेटेड वो कोई चीज बोले, पास्ट में जो इन दोनों के बीच में हुई है वो चीजें बोले, लेकिन वो चीजें बोलते हैं जो कि फ्रेंडशिप टूटने के बाद हुई है, और एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा खासा डिफेंड कर रहे हैं वो फैमिली के अदर लोगों को। वो भी लाइव में साफ दिखता है कि उनको शायद कुछ पॉइंट रेज करने के लिए बोला जाता है, और वो फिर उन्हीं पॉइंट्स पे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं, जैसे कि कार वाले पॉइंट पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि किया कार जो है वो गिफ्ट करी थी, वो कार कहाँ है, जिसका काउंटर करते हुए भी लखन ने अपनी साइड से सफाई दी, जिसमें उन्होंने बोला कि कार तो गिफ्ट करी थी लेकिन जो लेगा उसी के नाम पे तो कार होगी ना। उसके बाद जब ये सब एलिगेशन लखन पे लगाया गया, मतलब एलिगेशन नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन उन पे लगाया गया,
तो फिर कीर्ति दी ने आके इस बात का रिप्लाई किया कि ठीक है, लखन को, लखन ने जो कार गिफ्ट करी थी या नीतू ने जो कार गिफ्ट करी थी किया, उसका तो तुम लोगों ने मांग लिया, लेकिन वो वाली कार का भी तो पूछो जो कार लखन को गिफ्ट करी गई थी, यानी कि जो मर्सिडीज लखन को गिफ्ट करी गई थी वो मर्सिडीज कहाँ है। तो देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि एक ही साइड की चीजें हो रही हैं या सिर्फ एक ही गिफ्ट पर क्वेश्चन खड़ा करो। अगर सवाल पूछना है, सवाल पूछने की हिम्मत रखते हो, तो दोनों साइड के सवाल पूछो ना कि किया कहाँ है, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क ये भी पूछो कि मर्सिडीज कहाँ है, क्योंकि वन साइडेड बातें हो रही है, वन साइडेड, एक सामने से आके अपनी कहानी का हिस्सा बताता है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं, जब तक आप दोनों साइड की बातें ना सुन लो तब तक कभी भी किसी भी कंक्लूजन तक मत पहुंचो। दोनों साइड की बातें सुन लो, उसके बाद सच क्या है वो पता अपने आप चल जाएगा, क्योंकि हर इंसान यहाँ पे समझदार है, हर इंसान पढ़ा लिखा है, नहीं भी पढ़ा लिखा है तो जिंदगी के तजुर्बे सबको हैं कि वो समझ सकता है कि सच क्या है, झूठ क्या है, देख सकता है, अपना दिमाग यूज कर सकता है। तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिला, जो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर दूं। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है ये जो वीडियो डिलीट की इतनी हाइप बना दी गई है, एक्चुअल में किसने वो वीडियो डिलीट की होगी, कौन लगता है आपको कि किसने और किसके द्वारा वो वीडियो डिलीट हुई होगी। और क्योंकि वीडियो डिलीट की सिर्फ बातें हो रही हैं, प्रूफ नहीं लाए गए, वीडियो डिलीट के एलिगेशन लगा दिए गए लेकिन अगेन प्रूफ नहीं लाए गए। तो यहाँ पे बात फिर वही आ जाती है ना कि जब तक आप प्रूफ मत करो, क्योंकि अपनी बारी में सबको प्रूफ चाहिए, अपनी बारी में सब डंके की चोट पे हर रोज आके बोलते हैं प्रूफ प्रूफ प्रूफ। तो आप भी जो बातें बोल रहे हैं, आप भी जो क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं, उसके भी काइंडली प्रूफ दीजिए, वरना बिना प्रूफ के तो देखो कोई भी किसी पे भी कोई भी इल्जाम लगा सकता है, और कोई भी इल्जाम तब तक साबित नहीं होता जब तक उस इल्जाम का कोई प्रूफ आपके पास ना हो।